देव भूमि प्रणाम, मैं कुमकुम मिश्रा हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइन, धारा 370 खल्लास, महबूबा मुफ्ती बोली हिंदुस्तान के साथ जुड़कर की गलती, पास देते बस लुढ़की 20 की जान हलक में, कांगड़ा का एक किशोर हुआ लापता, सड़कों पर नजर आए NSUI के छात्र। अब समाचार विस्तार से। धारा 370 खल्लास, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने और उसका बंटवारा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को जारी कर अलर्ट पर रहने को कहा है। महबूबा मुफ्ती बोली हिंदुस्तान के साथ जुड़कर की गलती, धारा 370 पर मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल के लागू होने पर महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के लोकतंत्र का काला दिन करार दिया है। महबूबा ने कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ है और आज कश्मीर की जनता इस सोच में पड़ गई है कि हमारे नेताओं ने पाकिस्तान के साथ न जुड़कर हिंदुस्तान के साथ रहने का गलत फैसला किया था। पास देते बस लुढ़की 20 की जान हलक में, जिला सोलन के पट्टा महलोंग में सोमवार सुबह सामने से आ रही दूसरी बस को पास देते एक निजी बस सड़क से लुढ़क गई। यह हादसा सुबह लगभग 9:30 पर बताया जा रहा है। कांगड़ा का एक किशोर हुआ लापता, इच्छी की सोहड़ा पंचायत के एक किशोर निखिल कुमार पुत्र सुरजीत कुमार लापता हैं। जानकारी के अनुसार निखिल बीती रात से लापता है। सड़कों पर नजर आए NSUI के छात्र। छात्र संगठन NSUI ने हाल ही में सरकारी नौकरी में नियुक्त किए गए गैर हिमाचलियों को बाहर करके प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरियां देने की मांग उठाई है। तो ये थी आज की न्यूज ब्रीफ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।